60 साल में आज तक कांग्रेस जो नहीं कर पाई वो बीजेपी करके दिखा दी है। मेरा वोट मरते दम तक, मैं जब तक जीऊंगा तब तक भाजपा ही को ही जाएगा। ये 27 में भी नहीं आएंगे और तैयारी करेंगे 32 में, ये 37 में भी नहीं। हमारे देश में अगर कोई भी स्कूल है तो वो देन कांग्रेस की है। नहीं आज तो वोट शौचालय में पड़ते। 70 साल के अंदर कौन ऐसी जीएसटी है जो छाछ में दही में जीएसटी लगाए वो भी 6-12% तक। नारों से डरेंगे बिल्कुल। हर हर मोदी घर घर मोदी है भैया मोदी। गांधी के राज में क्या हुआ है? हमारे जो है देशवासियों का गर्दन काट के खोपड़ी काट के ले जाते थे पाकिस्तानी है? वो नहीं समझ में आया। जो जो गड्ढे खुद गए वो पेमदा नहीं लगा पा रहे हैं। बीजेपी सरकार और कह रहे बहुत बड़े नेता है, सबके जेब काटते हैं। मिश्रा जी जी राजपूत हूँ, राजपूत ठाकुर हूँ ठाकुर। आप बताइए। नमस्कार। आगामी लोकसभा चुनाव के आगाज के साथ प्रथम चरण का इलेक्शन जब से हुआ है उसके बाद से लेकर के उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में लोकसभा चुनाव को लेकर के लोगों के बीच में भारी मात्रा में उत्साह देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आज हम लोग पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र में। मोहनलालगंज के क्षेत्र के इतिहास की बात कर ले तो वहीं पर एक तरफ कौशल किशोर हैं और दूसरी तरफ अगर बात कर ले तो आरके चौधरी है। आरके चौधरी जी लगातार 2014 में कांग्रेस के तरफ से लड़े थे तब उनकी हार हुई थी और 2019 में जब लड़े तब भी उनकी हार हुई थी। और दूसरी तरफ बात कर ले कौशल किशोर की तो 2014 से उनका लगातार इस सीट के ऊपर कब्जा है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या 2024 के लोकसभा इलेक्शन में इस बार लोकसभा और यहाँ पे मोहनलालगंज क्षेत्र की जनता इस बार किसको चुनेगी और किसको केंद्र में भेजने का काम करेगी। तो ऐसे में इस क्षेत्र के तमाम लोग हमारे साथ हैं, जरा सभी से बात करने की कोशिश करेंगे और जरा समझने के प्रयास करेंगे कि क्या लोगों के बीच में किस तरीके की चर्चाएं होती हैं, लोग क्या समझते हैं कि 2024 के चुनाव को लेकर के किस तरीके से अपने अपना गणित रखते हैं। क्या नाम होगा सर? राकेश कुमार सिंह। राकेश कुमार जी, अभी आपने देखा कि प्रथम चरण का इलेक्शन हुआ उसके बाद अब द्वितीय चरण में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। क्या आप लोग जब लोगों के बीच में बैठते हैं तो क्या चर्चाएं चलती हैं, कैसा लगता है आपको कि 2024 में इस बार सरकार किसकी बनने वाली है? मोदी की बनेगी। हाँ डेफिनेटली। मोदी जी की आखिर क्यों बनेगी? मोदी जी ने 10 साल हो गए, कौन सा ऐसा काम किया जो आप लोगों को प्रभावित करता है? काफ़ी योजनाएँ वो लाए हैं इसकी वजह से हैं। जैसे हमको कोई एक दो नाम बताएं, जैसे क्योंकि अगर विपक्ष की बात कर ले तो विपक्ष तो लगातार घेरता ही रहता है राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी जी भी घेरते हैं, कहते हैं वो इस वक्त सबसे ज़्यादा इस देश में बेरोजगारी है, 80-85% बेरोजगारी। बेरोजगारी तो पहले भी थी, आज ही थोड़ी ना हुई है, बेरोजगारी बहुत पहले भी थी। ठीक है, मोदी जी की योजनाएँ हैं जो देश हित के लिए चल रही हैं, इस वजह से जीतेंगे। राहुल गांधी जी का जो मैनिफेस्टो आया है सर, उसमें उन्होंने वादा किया है कि हम जब सत्ता में आएंगे तो 30 लाख नौकरी देंगे और 1 लाख रुपए अप्रेंटिस वालों को प्रति वर्ष देने का काम करेंगे। तो क्या लगता है कि ये जो चुनावी वादे कर रहे हैं राहुल गांधी जी कहीं खड़ा उतर पाए? ये चुनावी वादे है, जुमला है। 60 साल में आज तक कांग्रेस जो नहीं कर पाई वो बीजेपी करके दिखा दी है। तो मोदी की सरकार ही आनी आवश्यक है और मोदी ही आएंगे, इससे गरीबों के लिए उन्होंने बहुत अच्छे से काम किए हैं, योजनाएं लाए हैं, पीएम आवास योजना, राशन योजना, इस तरह से तमाम योजनाएं लेकर मोदी जी आए हैं। इससे पहले सत्ता में कांग्रेस थी, कुछ नहीं लाई। राशन तो पहले भी मिलता था लेकिन वो पैसे दे के मिलते थे, अभी फ्री योजना मिल रही है। राशन जो मिल रहा है वो मोदी जी वगैरह फ्री 80 करोड़ जनता को उपलब्ध कराई जा रही है। आने वाले समय में उम्मीद करते हैं कि और इससे बेटर करेंगे मोदी जी। आप सर युवा हैं तो युवा के नाते आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि जब से मोदी सरकार आई है इन्होंने रोजगार के ऊपर बहुत सारी बातें की थी, 2 करोड़ रोजगार को लेकर के, और राहुल गांधी जी कहते हैं इस देश में इस वक्त 82% से ज़्यादा बेरोजगारी है। तो क्या लगता है आपको कि मौजूदा सरकार ने एम्प्लॉयमेंट पर कितना काम किया है या फिर विफल हुई है? जैसा कि रोज़गार की बात आपने कही कि रोज़गार जो है, अब जैसे आप देखिए कि सारी सरकारी नौकरियां सभी को प्रोवाइड कराना मतलब एक सरकार के लिए एक बहुत ठोस कदम होता है कि यहाँ सारी सरकारी नौकरियां सभी को देना। अब जिसके 50% हैं वो भी नौकरी मांग रहा है, जिसके 70 हैं वो भी मांग रहा है। तो अब जैसे कि मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है, मैं जनरल कैटेगरी से वो हूँ, तो हम लोग का जो कट ऑफ जाता है वो बहुत हाई फाई जाता है। तो
ऐसा नहीं कि नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, नौकरियाँ दो साल पहले देखिए कितनी वैकेंसी निकली थी, सारी वैकेंसियाँ, काफ़ी वैकेंसियाँ निकल रही, रोज़गार पे भी काम कर रहे हैं लोग। और जैसा कि अब रही बात 2024 के चुनाव की, तो 2024 का जो चुनाव है, मेरा वोट मरते दम तक, मैं जब तक जीऊँगा तब तक भाजपा को ही जाएगा। क्यों भाजपा को जाएगा भाई? वहीं आप अगर लगातार इस तरीके की बात करेंगे तो लोग आपको फिर मोदी भक्त भी कहने लगेंगे। बिल्कुल, मैं मोदी भक्त हूँ। अगर ऐसा लोग कहेंगे तो मैं मानने को तैयार हूँ कि अगर मैं मोदी भक्त हूँ। कहते हैं कि रोजगार नहीं मिलेगा, उसके बाद भी आप मोदी को बिल्कुल दूंगा। ये जो गरीब जनताएँ हैं कोरोना काल में, अगर कोरोना काल के समय अगर कोई और सरकार होती, जैसा कि आप हमसे नहीं, आप पूरी पब्लिक से जानकारी ले सकते हैं कि अगर और कोई सरकार होती तो कोरोना काल में जो मृत्युओं का प्रतिशत है वो काफ़ी ऊपर होता। और जिस हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी ने और हमारे क्षेत्र मतलब उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने जिस हिसाब से उस कोरोना काल में मतलब धूप को धूप नहीं समझी और मतलब करते काम चले गए, और उन्होंने उनका जो गरीबों के लिए राशन, आज भी राशन फ्री है, लोगों को राशन मिल रहा है, कई सारी योजनाएं, सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, आयुष्मान कार्ड। अब देखिए, जो गरीब आदमी 1 लाख रुपए का इलाज कराने में विफल रहता था, वो 5 लाख रुपए तक का सरकार उसको वो दे रही कि 5 लाख रुपए तक का आप आयुष्मान कार्ड बना लीजिए, 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री है। तो ये लोग का आरोप भी रहता है, लोगों का आरोप आपने देखा होगा कि वो कहते हैं आयुष्मान कार्ड बना तो है मगर किसी भी अस्पताल में जाने पर इलाज नहीं हो पाता है। क्या बात ये सही है? इधर आइए थोड़ा। बिल्कुल सही है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि जिसके पास 10,000 का मोबाइल है उसका इलाज नहीं हो सकता, जिसके पास 2 पहिया वाहन है उसका इलाज नहीं हो सकता। ये दिल्ली सरकार भी कहती है और यहाँ की सरकार भी कहती है। बिल्कुल, एक भी IIT, एक भी AIIMS, एक भी डिग्री कॉलेज बनवाए हो तो बताइए कि बीजेपी सरकार में ऐसा बना? यही युवा हैं जो कि आप कह रहे हैं कि नहीं, बात देखिए, कॉलेज और वो बनाने का नहीं है, बात यहाँ पे ये है कि जो 60 वर्षों से हम लोग पीछे थे, जब तक कांग्रेस सरकार एम्स वगैरह बनाएंगे, IIT बनाएंगे, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। जब ये सब बनाएंगे नहीं, नितिन गडकरी जी ने इतने रोडों का जंजाल दे दिया, आप उस पर चर्चा नहीं किए, आपने तब नहीं कहा कि रोडें बनी तो वो चीज है कि सबसे बड़ा काम जो हम लोग के पूर्वज देखना चाहते थे, जो नहीं देखे बेचारे चले गए, राम मंदिर बना, तो उस पर कई लोगों का टिप्पणी आई कि यहाँ पे मंदिर बना दिया, 1 करोड़ का मंदिर, इसकी जगह अस्पताल बनना चाह, ये था वो था, वो हिंदू नहीं है। अगर वो ऐसा कहते हैं तो वो हिंदू नहीं है। राम मंदिर जो था, हम लोग के जो पूर्वज थे, जैसे आपके भी पूर्वज होंगे, वो भी देखना चाहते थे कि राम मंदिर, रामलला का धाम, मगर वो मंदिर बना एक अपने आप में बहुत बड़ा काम हुआ, उससे बड़ा कोई काम नहीं था। तो क्या लगता है ये मंदिर किसने बनवाई? विपक्ष तो कहता है ना कि ये हाई कोर्ट के द्वारा बनी, इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है। आप मुलायम सिंह यादव की जब सरकार थी तब आप बोल गए थे, जब मुलायम सिंह यादव ने श्रद्धालुओं पे लाठी चार्ज करवा दिया था, आज उसका उनका फल मिल रहा है जो कि सत्ता से बिल्कुल, और सत्ता से वो बाहर रहेंगे ही, ऐसा नहीं है कि वो सत्ता में दोबारा आ जाएंगे। अभी 24 का चुनाव माननीय मोदी जी बिल्कुल 110% जीत रहे हैं, उसके बाद 27 का चुनाव है। अब आदमी कहता है कि 24 में नहीं आए, 27 में आ जाएंगे, तैयारी करेंगे 27 में, ये 27 में भी नहीं आएंगे और तैयारी करेंगे 32 में, ये 37 में यादव का भी मैनोफेस्टो आया है, उन्होंने उसमें एक वादा किया है कि मोदी जी हमको गेहूं देते थे, हम आपको सत्ता में आएंगे तो आटा देंगे और डाटा देंगे, आटा फ्री देंगे, डाटा फ्री कैसे देंगे, कैसे देगा मैनोफेस्टो है, जैसे इन्होंने जैसे राहुल गांधी जी ने कहा था कि एक ऐसी मशीन पैदा करेंगे कि आलू डालेंगे सोना हो जाएगा, कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो ये सब चीज़ें हैं, जब चुनाव आते हैं तो चुनाव के समय तमाम तरह के जुमले निकलते हैं कि ऐसा होगा। अभी जैसे कांग्रेस सरकार कह रही है कि 3 लाख रुपए साल का महिलाओं को मिलेगा, जब अभी आप 10-15 साल सत्ता से पीछे जब गए हो तब आपने ये निकाल दिया रूल, उससे पहले 3 लाख का ही नहीं दिया आपने। आपको क्या लगता है 2024 में इस बार सरकार किसकी बनेगी? इसकी आनी चाहिए कांग्रेस की सरकार, ठीक है हमारे हिसाब से, और कांग्रेस ने जो कुछ भी किया है वो अच्छे लिखी। कौन सा ऐसा काम जो अच्छा लगा हमारे देश में? अगर कोई भी स्कूल है तो वो देन कांग्रेस की है। आज तो वोट
शौचालय में पड़ती नियमित रूप से अगर देखा जाए। देन तो हमारे कांग्रेस की ही है और हमारे हिसाब से जो मोदी जी जुमलेबाजी करते हैं कि 15 लाख देंगे, किसके अकाउंट में आए 15 लाख? अरे 6000 रुपया साल का लोगों को, जो किसान लोग हैं उनको मिल रहा है। समाजवादी की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, आज तक कांग्रेस की सरकार रही, कौन सा सरकारी खजाने से पैसा आ गया और किसके खाते में आ गया बताइए भाई। 15 लाख रुपए का जवाब श्रेष्ठ है तो 70 साल में किसी भी गरीब मजलूम गरीब थर्ड क्लास के लोगों को फिर एक गल्ला क्यों नहीं दे पाई है? 70 साल शासन करीस है, अब बताइए भाई 15 लाख 70 साल के अंदर कौन ऐसी जीएसटी है जो छाछ में दही में जीएसटी लगाए वो भी 6 से 12% तक? अच्छा एक मिनट भाई, ये तो गलत बात है इस देश में। मैं बिजनेस मैन हूँ, जीएसटी बात कर रहे हो ना, है ना, जीएसटी बात कर रहे हो। जितने यहाँ भूमाफिया थे, जितने भूमाफिया थे उन्हें सारा धन कमाए कर रख लिया गवर्नमेंट को, टैक्स भी नहीं, ना टैक्स ना कोई जीएसटी है ना। टैक्स और जीएसटी जो हम लोग दे रहे हैं तो गवर्नमेंट ले रही है वापस हमारे पास विकास कार्य कर रही है। तो बताइए 10 साल हो गए हैं रोजगार पे कितना बात किया, रोजगार के ऊपर ठग बंधन है हमारा। अभी तक जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली मुख्यमंत्री जो थे वो अखिलेश यादव को बताते थे कि ये ऐसा है वो वैसा है और ऐसा है। आज इंडिया का गठबंधन कहाँ है? पूरा पूरा शासन प्रशासन सब लगा हुआ है भैया, खाली इंडिया को लगाने के लिए। चीन और पाकिस्तान को ठीक कर रहा है भाई, नाम बताइए भाई। हम लोग आर्मी वाले के हैं, सुनील कुमार राय नाम है भाई, बस इतना ही बोलना था। राम राम हर हर महादेव। नारों से डरेंगे? बिल्कुल नहीं डरेंगे, हम कांग्रेस के सपोर्ट में हैं। इस नारों से डरेंगे क्या? नहीं, क्यों नहीं डरेंगे? हम नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, बिल्कुल नहीं डरेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। किसकी आवाज? नहीं नहीं, एक मिनट, कूल डाउन, कूल डाउन। अंग्रेजों ने दबाया, राम राम करो, इधर आओ, आगे आओ। हाँ बिल्कुल भैया, इनकी बात रिकॉर्ड करो। 70 छाया में जियो। 70 साल में, 70 साल में कांग्रेस ने हमारे भारत देश के जनता को कौन कौन सा सुविधाएं दिया बताओ? आईआईटी खाली धन। एक मिनट, कूल डाउन। हाँ बिल्कुल, तुमसे ये सवाल पूछेंगे। एक मिनट चाचा, इधर आइए, पूछेंगे। आप सामान्य आदमी लग रहे हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम संतोष कुमार। संतोष जी, ये बताइए 2024 करीब आ गया है, इस बार जब आप लोग वोट देंगे क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को लेकर के वोट करने जाएंगे? हम लोगों के यहाँ मोदी जी सरकार से बहुत आराम मिल रही है, एक जो जही रात बिरात घूमो कोई बोलने वाला नहीं है, और बाकी सब जो है सुविधाएं मिल रही हैं। क्या तो सुविधा जैसे आप लोगों को क्या मिला है? अब हम लोगों के यहाँ नया सम्मान निधि मिल रही है किसानों 2000 रुपया, और फिर जो है मतलब सिंचाई, हाँ सिंचाई, सिंचाई के लिए वो हमको सुविधा मिल रही है, नल के लिए, नल के लिए वो हमको सुविधा मिल रही है, पानी पीने के लिए, तो हमको लोगों के यहाँ सब चीज। राहुल गांधी जी ने भी कहा है इस बार कि किसानों की आय को दुगुनी करेंगे, जो कि मोदी जी ने 2022 से पहले कर रखा था, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि न्यूनतम वेतन 400 रुपए मजदूरों का, लेबरों का काम करेंगे। यह तो बात मतलब बहकाने के लिए है सब है। और राहुल गांधी जी को क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे बहकाने के लिए कार्य है, पहले को जो है अंते चले गए रहा तब नहीं, मतलब किसान के यहाँ सुनी ना है, आज जब मोदी साहब सुन रहे हैं तब मतलब जो है का विरोध करके मतलब अपनों कह रहे हैं कि हम करेंगे करेंगे। आपको क्या लगता है भैया इस बार चुनाव में क्या माहौल लग रहा है? हर हर मोदी घर घर मोदी है भैया, बस हाँ है मोदी। मोदी जी को क्या हो गया कि मोदी जी को ही सब? अच्छा ये बताइए, 70 साल, एक मिनट एक मिनट भैया, 70 साल से कांग्रेस रहा है ठीक है, ये साला बताओ इतना पुराना मंदिर अपन रहे राम जी का है, आज तक बन के तैयार नहीं पावा, नहीं हो पावा, ये तो मुद्दा रह रखा है। अब तैयार भा, तैयार नहीं हो पावा। अगर ना अगर मोदी मर गए, फोन खराबी हो, पता ना कितना हमारा हिंदू भाई कितना मर हुआ है, बताओ इस मंदिर के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज कश्यप। इधर आइए। क्या नाम है? सूरज कश्यप। सूरज कश्यप जी,
चुनाव आ गया है, इस बार क्या मन में चल रहा है? कुछ चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, क्या चल रहा है? राशन चल रहा है? नहीं, बिल्कुल सब सही चल रहा है। मोदी जी आएंगे, राशन वासन फिर सब मिलता है, राशन, आयुष्मान कार्ड, सब कुछ है, सब कुछ कुछ है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जितना भी गरीब है, 10 वर्षों में मजदूरों को सबसे ज्यादा दबाया गया इस सरकार में, क्या जवाब देंगे उनको? नहीं 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 नहीं, दबाया नहीं गया सरकार को, दबाया नहीं गया। इनके राज में क्या हुआ? राहुल गांधी के राज में क्या हुआ? हमारे जो है देशवासियों का गर्दन काट के, खोपड़ी काट के ले जाते थे पाकिस्तानी, है वो नहीं समझ में है? राहुल गांधी को वो भी तो देखना चाहिए है, तब वो नहीं दिखाई दिया, आज ऐसा ऐसा बोल रहे हो। कल चुनाव आ गया तो अखिलेश जी भी कूद पड़े हैं बीच में। अखिलेश अखिलेश कुछ नहीं है, इनके सामने कुछ भी नहीं। अखिलेश फार्म भरत रही है, कांग्रेस फार्म भरत रही है, खाली फार्म भरत रही है, और कुछ हो ही ना। मोदी जी ने कितने काम निपटाए, ये तो बहुत हो गए इसमें। आप बताइए कहाँ दाल कितनी महंगी, 70 साल में महंगाई नहीं थी, पहले आए तो महंगाई आई। हाँ, पहले महंगाई नहीं थी, पहले कहाँ महंगाई है, क्यों नहीं थी महंगाई, पहले नहीं थी, महंगाई नहीं थी, कहाँ? आज तुलना कर लोगे तब के लेबर 60 रुपया थी, आज 500 रुपया, 500 रुपया, 500 रुपया। बातें करते हो विपक्ष की, जो जो गड्ढे खुद गए में पेमदा नहीं लगा पा रहे हैं बीजेपी सरकार, और कह रहे हो बहुत बड़े नेता है। क्या काम करते हैं भैया? मैं जनरल स्टोर चलाता हूँ। क्या लगता है मेरा भैया? अभिषेक मिश्रा नाम है। महंगाई खाली मोदी राज में क्यों है? ये मोदी राज में क्यों है? किस लोगों का संघर्ष क्यों नहीं किया? सबके जेब काटते हैं, इसलिए महंगाई है। संघर्ष क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? अभी तक भूखे मर रहे थे, आज के 5 साल भूखे मर रहे थे ना, क्यों आए? आप बड़े करोड़पति बने घूम रहे हो, क्योंकि माल काट के राजा बन गए। मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है। मिश्रा जी जी, राजपूत हूँ, राजपूत। हाँ, तभी तो ठाकुर हूँ, ठाकुर। आप बताइए, नौजवान है, युवा, क्या क्या लगता है 2024 में जब आप वोट देने जब जाएंगे तो किन मुद्दों को लेकर के वोट करेंगे आप? मुद्दा तो हमारा विकास का ही है, और जितना मुद्दा हमारा विकास का ही है, लेकिन एक विडम्बना ही कहना होगा कि मोदी राज में जितना विकास हुआ है उसका 25% भी किसी अन्य राज्य में हुआ हो, ठीक है? इसके लिए हम आपको एक यही मुहावरा कहेंगे, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये सब धरातल पर दिख रहा है, आप स्वयं अगर चल रहे हैं यहाँ से लेकर वहाँ तक, आपको खुद दिख जा रहा होगा रोडें कैसी बनी हुई है, पहले रोडें कैसी थी ये 2014 से लेकर अभी तक। मेरा संसदीय क्षेत्र डुमरियागंज लगता है, डुमरियागंज पहले 2014 से पहले की बात बता रहा हूँ, एक पिछड़ा क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन माननीय जगदम्बिका पाल के नेतृत्व में जो वहाँ का विकास हुआ है, रेलवे स्टेशन से लेकर हाईवे तक, वह किसी भी, अब हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे हमारे विधानसभा से माननीय माता प्रसाद पांडे जी, वो एक सही से अस्पताल नहीं बनवा पाए। ये मोहनलालगंज क्षेत्र की जनता थी, जिनकी विभिन्न प्रकार की राय थी, सबकी अलग अलग राय होती है, अलग अलग विचारधाराएं होती हैं। ऐसे ही तो हम लोग जगह जगह लोगों के बीच में जाते रहते हैं और लोगों से समझते रहते हैं कि क्या आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के इस देश में सरकार किसकी बनने वाली है। तो ऐसे ही खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए कैमरा पर्सन हेमंत के साथ, टिंकू शाह, लखनऊ, NTV निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।